हमारा देश प्राचीन काल से ही सिविक प्लानिंग के लिए जाना जाता है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा मोहनजोदारो की प्लानिंग का उदाहरण लें, या फिर विद्याधर भट्टाचार्य मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का, हम इनसे प्रेरणा लेकर शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध हैं। शहरों के साथ ही पेरी अर्बन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान जैसे वृहत एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं व आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। योजना अंतर्गत जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की मिशन टीम गठित की जाएगी। प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी एंड को वर्किंग स्टेशन की स्थापना लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश के नगर निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुंदर बनाए जाने की दृष्टिगत दो वर्षों 2024-25 व 2025-26 में चरणबद्ध रूप से विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपए की लगभग लागत से फायर ब्रिगेड्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठोस कचरे के प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट्स, 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्रों का निर्माण तथा 131 नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इन पर लगभग 650 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु आईटी तकनीक जैसे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का उपयोग करने के साथ साथ नगर निगमों में संचालित इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टेशन को मैकेनाइज्ड एवं ऑटोमेटेड कराया जाएगा। इस पर 135 करोड़ रुपए व्यय होंगे। साथ ही विभिन्न शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण संबंधी कार्य लगभग 1,300 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे, जिनकी सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं।